आपने बुलाया मैडम जी? हाँ हरिया, हम ये कह रहे थे कि वो जो लाजो का दामाद है ना, गेंदा। हाँ हाँ जी। आप जरा जाकर गेंदा और उसकी बीवी चमेली से बातचीत करिए, ठीक है? और इस सारे मसले की सच्चाई जानिए, क्योंकि ये मसला हमें जल्द से जल्द सुलझाना है। तो आप अभी जाइए। अभी? हाँ, वो क्या है ना कि गेंदा के गांव के जो सरपंच है वो हमारे पुराने जानकार हैं, और उनका हमें अभी फोन आया था, और हम भी ये चाहते हैं कि ये मसला जल्द से जल्द सुलझ जाए, ताकि हमारे गांव की बदनामी ना हो। आप टेंशन ना ले मैडम जी, अब इस मसले को हम सुलझा के रहेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आप सुलझा कर ही रहेंगे। हम जाते हैं। चमेली, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? वही बात करनी है जो पूरा गांव कर रहा है, तुम्हारे और तुम्हारे पति गेंदा के बारे में। हाँ पूछिए, क्या पूछना है? हमें जो भी बताना ना, खुल के बताना, क्योंकि अब ये मुद्दा ना सिर्फ हमारे गांव का नहीं है, दो गांवों के बीच का हो गया है। सरपंच जी बहुत टेंशन में है। और हमें ये बताइए कि आप अपने पति के साथ क्यों नहीं रहना चाहते हो? हमने तो सबको बोल दिया है, वो किसी काम के आदमी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए, आपके पति हैं वो, बहुत काम के हैं। अपने पति के बारे में आप पूरे गांव में ऐसा ढिंढोरा पीटोगी तो बताओ कैसे चलेगा? अरे पति है, चले जाओ, और अगर कोई कमी है तो इलाज उलाज करा दो उनका, और अपनी जवानी इस गांव में बर्बाद करने से क्या फायदा? कोई ना कोई तो तुमको चाहिए ही। मियां बीबी के बीच में आप ना पड़िए, हमें जो करना है वो कर लेंगे। कुछ तो गड़बड़ है। अरे जमाई राजा, आओ बैठो। अरे बैठिए। काय? लोगे क्या? अरे हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं यार, हम तो इसकी बात कर रहे हैं। लोगे? काहे नहीं लेंगे। कितना लोगे? कितना का लेना है? बनाओ एकदम कड़क हमारी तरह। हमको भी कड़क पसंद है। आउट डालो यार, थोड़ा कड़क चाहिए। ये तो बहुत ही कड़क है। ठीक है ना? बस नहाना थोड़ी ना है। पूरा पिल गए? हम बचपन से ऐसे लेते हैं। अब एक बात बताओ, प्रॉब्लम क्या है? पूरा गांव आप पर थू थू कर रहा है, बोल रहा है जमाई राजा किसी काम के नहीं है। अरे दिख नहीं रहा है, एकदम कड़क ही तो हैं हम। हाँ हमको पता है, एकदम कड़क हो आप, लेकिन आपकी घरवाली तो नहीं मानती है ना, वो तो कह रही है किसी काम के नहीं है। हम तो कब्र का हाल देखकर बता देते हैं कि मुर्दा किस हाल में है। तो जाके कहिए ना अपनी सरपंच से कि हम में कोई खोट नहीं है, हमारी मिसेज जी की विदाई कर दे। अरे भैया, सरपंच नहीं हमको यहाँ भेजा है, लेकिन क्या करें, सरपंच मांगती है सबूत जो तुम्हारे पास है नहीं, और जो है वो सरपंच को दिखा नहीं सकते। अगर दिखा दिया तो बीबी तो हाथ से जाएगी जाएगी, तुम भी जेल जाओगे, समझे? अभी तुमने जितने मैच खेले हैं ना, अपने गांव में खेले हैं। हमारे गांव में खेले हो क्या एक आध मैच? नहीं ना। ये अब हमारे गांव के लोगों को दिखा दो अपना खेल, ऐसे बल्ला उठाओ कि चौका छक्का साफ मैदान के बाहर जाए, और उसकी गूंज पूरे गांव में सुनाई देनी चाहिए, सरपंच को सुनाई देनी चाहिए, हमें सुनाई देनी चाहिए, तब तब हम तुमको मानेंगे, पूरा गांव मानेगा कि तुम पक्के खिलाड़ी हो।
समझ गया। हाँ तो डॉक्टर साहब, क्या लिखा है जमाई बाबू की रिपोर्ट में? मैडम जी, रिपोर्ट के अनुसार जमाई गेंदा जी नपुंसक है। अरे यार डॉक्टर साहब, झूठ मत बोलिए, 6 फीट का आदमी है, कड़क ही होगा। डॉक्टर, क्या बकवास कर रहे हो? क्या फालतू रिपोर्ट लेके आ गए हो? कुछ भी पढ़ते हो? नकली रिपोर्ट, आवाज तुम। डॉक्टर, कहाँ से रिपोर्ट बनवाई? किसके कहने पे रिपोर्ट बनवाई? बोल। जमाई जी, ये रिपोर्ट तो शहर से बन के आई है ना, इसमें हम क्या करें? हमने थोड़ी ना बनाई है। आप अपना गुस्सा हम पे कहाँ निकाल रहे हैं? बकवास करेगा ना, तुम्हारा कौन कर देंगे? कहाँ चला रिपोर्ट? डॉक्टर को काहे मार रहे हो? इसमें इनकी क्या गलती है? दोष तो तुम में है। जो आया है वो सही आया है रिपोर्ट में। बंद करो अपना ये बकवास। डॉक्टर तुमको तो जमाई जी, छोड़ दो डॉक्टर बाबू को। रिपोर्ट ने साबित कर दिया है कि तुम नपुंसक हो, इसलिए चमेली अब तुम्हारे साथ नहीं जाएगी और पंचायत का यही फैसला है। आखिरी फैसला है डॉक्टर, तुमको तो। आप लोग कहे चुपचाप खड़ी हैं? साफ सुन गया क्या? बताती कहे ना कि हमें कोनो कमी नहीं है। बोलिए सरपंच जी से कि रिपोर्ट झूठी है। अरे एकदम चुप, तुम तो बता दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा? बना रहे हमको डॉक्टर तुम ना। आप जा रहे तो और क्या करें, जाना तो पड़ेगा है ना? आज रात रुकी है ना, कल जाइए। आप पंचायत को कहे नहीं बताएं कि हमें कोई खोट नहीं है? आप तो हमको फरक चुकी है ना। ये बात हम पंचायत से कैसे कहते? अगर उन्होंने कोई सवाल पूछे होते तो हम क्या जवाब दे पाते? आप हमें लेके चलिए ना, आप जैसे गबरू जवान के लिए हम पूरे जिंदगी गुलामी करेंगे। हम जिसको लेने आए थे उसके साथ ही जाएंगे, नहीं तो अकेले ही जाएंगे। आप बोल दीजिएगा चमेली को कि हम उसको बहुत मिस करेंगे। जब हम चमेली के धोखे में कुमकुम के साथ, तो हमको कुमकुम बताई कि ये चमेली तो आधी रात को खेत गई है फ्रेश होने, तब हम उसका पीछा किए तो यहां पहुंचे, तब जाके हमको पता चला कि ये कैसे और कहां फ्रेश होने आती है। डॉक्टर ने जानबूझकर हमारी झूठी रिपोर्ट बनाई है। गेंदा जी, चमेली और ये डॉक्टर का जो भी चक्कर है वो तो हमने जीता जागता सबूत देख लिया, पर तुम नपुंसक नहीं हो, ये कैसे साबित हो सकता है?
इसका सबूत भी आज ही आपको देंगे हम। अब बस पंचायत ऑफिस चले आइएगा और छुपकर हमारा वेट कीजिएगा। क्या है? अरे वो आज रात ना 2 बजे पंचायत भवन आ जाइएगा। 2 बजे पंचायत भवन का है? अरे कुछ स्पेशल है आपके लिए। आ जाना। 2 बजे स्पेशल? 2 बजे रात को पंचायत भवन आ जाना, समझ में आया? पंचायत भवन वो भी 2 बजे? और क्या? 2 बजे का मतलब 2 बजे पंचायत भवन, वहीं तुम्हारी सारी आग बुझाएंगे। चलते हैं। 2 बजे तक? हमें यहां बैठाकर न जाने कैसे अपनी मर्दानगी साबित करेगा। कहां चला गया है, अभी तक आया भी नहीं।